नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। मैं बताऊंगा आपको कि कैसी है ये कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और इसका कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर्स के साथ। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं दूंगा आपको एक बनियागिरी टिप ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अब बात करते हैं बर्गर किंग कंपनी के बारे में। बर्गर ब्रांड की शुरुआत 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। बर्गर ब्रांड में तीन रेस्टोरेंट चेन्स आती हैं, जिसमें बर्गर किंग, पॉपाइज और टिम हॉर्टन्स शामिल हैं। बर्गर ब्रांड के 18,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ओपन्ड हैं, जो कि इसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन बनाते हैं। बर्गर किंग को होम ऑफ द वूपर के नाम से भी जाना जाता है। बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड बर्गर किंग की ही एक इंडिया नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी है, जिसे बर्गर किंग का नेम यूज करने के इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं। अब बात करते हैं बर्गर किंग के प्रोडक्ट्स के बारे में। इंडियन फास्ट फूड इंडस्ट्री में 60% मार्केट मिलेनियल्स होल्ड करते हैं। बर्गर किंग का पूरा मेन्यू मिलेनियल्स को फोकस करता है। बर्गर किंग में आपको 13 टाइप ऑफ बर्गर्स मिल जाएंगे, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ फ्राइज, 18 टाइप ऑफ बेवरेजेस जिसमें स्मूदीज और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, के साथ ही आपको 7 टाइप ऑफ डेजर्ट्स मिलते हैं। इस वजह से ये मेन्यू मिलेनियल्स में काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं बर्गर किंग के बिजनेस मॉडल के बारे में। बर्गर किंग को मेनली रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से आता है। पहला है डायरेक्ट सेल टू कस्टमर्स, जिसमें कंपनी अपने कस्टमर्स को फास्ट फूड और बेवरेजेस की ऑप्शंस अवेलेबल करवाती है। सेकंड, इनका रेवेन्यू सब फ्रेंचाइजी मॉडल से आता है। और तीसरा, इनका रेवेन्यू स्क्रैप सेल से भी मिलता है। अब बात करते हैं बर्गर किंग के फाइनेंसिस के बारे में। बर्गर किंग के टोटल असेट्स 2016 में अराउंड 205 करोड़ रुपीज के थे, जो कि 2019 में बढ़कर 920 करोड़ रुपीज के हो गए। ये ऑलमोस्ट 65% की ग्रोथ है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू 2016 में 140 करोड़ रुपीज का था, जो कि 2019 में बढ़कर अराउंड 644 करोड़ रुपीज हो गया। ये भी ऑलमोस्ट 65% की ग्रोथ है, जो कि बेहद अच्छी है। कंपनी के एबिटा की बात करूं तो कंपनी का एबिटा 2016 में -29.4 करोड़ रुपीज का था, जो कि पहली बार 2017 में पॉजिटिव 20 लाख रुपीज पर आया। 2019 में ये बढ़कर अब 90.4 करोड़ रुपीज का हो गया है। कंपनी का एबिटा पिछले 3 सालों में 450 टाइम्स बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी के ऑपरेशंस पिछले 3 साल में काफी बेटर हुए हैं। बर्गर किंग के अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो ये एक नेगेटिव नंबर है। 2019 में भी इसे 38.27 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन इनकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट का बढ़ना है। 2016 में ये कॉस्ट 8.8 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर 2019 में अब 39.27 करोड़ रुपीस हो गई है। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात करें तो कंपनी के असेट्स और रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ में ही ये भी पता चलता है कि इनके ऑपरेशंस में अभी सुधार की काफी गुंजाइश बाकी है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू की। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फूड इंडस्ट्री अभी 4.09 लाख करोड़ रुपीस की है, जो कि 2024 तक बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपीस की हो जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप काफी बेटर है। फूड इंडस्ट्री को ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें बर्गर किंग QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के वर्टिकल में आती है। QSR का टोटल मार्केट शेयर इंडिया में अभी 3.5% है, और एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ये बढ़कर डबल डिजिट हो जाएगा। इससे बर्गर किंग को काफी फायदा मिलेगा। आइए दोस्तों, अब कंपैरिजन करते हैं बर्गर किंग का इसके पीयर्स के साथ।
हमने कंपैरिजन के लिए मैकडॉनल्ड्स यानी कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और बारबेक्यू नेशन को पिक किया है। एफिशिएंसी के मामले में बर्गर किंग को नेगेटिव नंबर मिलते हैं। कंपनी का असेट टर्नओवर रेशियो मैकडॉनल्ड्स और बारबेक्यू दोनों से ही कम है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपने असेट्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही। मार्जिन्स की बात करें तो बर्गर किंग को फिर से नेगेटिव नंबर मिलते हैं। कंपनी के मार्जिन्स बारबेक्यू नेशन और मैकडॉनल्ड्स दोनों से ही कम हैं। ग्रोथ की बात करें तो बर्गर किंग को पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। बर्गर किंग के रेवेन्यू की ग्रोथ पिछले 3 सालों में तकरीबन 65% के रेट से रही है, जबकि मैकडॉनल्ड्स सिर्फ 19% के रेट से ही ग्रो कर पाया है। प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो बर्गर किंग को फिर से नेगेटिव नंबर मिलता है। बर्गर किंग एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि मैकडॉनल्ड्स एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। सेबी ने बर्गर किंग के आईपीओ को 24 जनवरी को हरी झंडी दिखा दी है। बर्गर किंग बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट में अपना इशू लेकर आने वाली है। बर्गर किंग के आईपीओ का ओवरऑल साइज अराउंड 400 करोड़ रुपीस का होगा। इससे प्रमोटर क्यूआर एशिया अपने 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल पर देंगे। इससे कंपनी को कोई भी नया फंड रेज नहीं होगा। ओवरऑल बर्गर किंग के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और पीयर कंपैरिजन को सम अप कर दें तो हम इसे 2.5 आउट ऑफ 5 रेट करते हैं और आपको रिकमेंड करेंगे कि इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप हमारी बारबेक्यू नेशन की वीडियो को भी देख सकते हैं और यदि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वक्त है एक बनियागिरी टिप का। आप हॉट टिप्स को चेस ना करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इंडस्ट्री और स्टॉक को अच्छे से रिसर्च कर लें और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। जाने से पहले एक सवाल, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बर्गर किंग में कभी बर्गर खाया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस, अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए नो। आई एम जस्ट क्यूरियस। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सी है? दोस्तों, हमने अपना काम कर दिया इस वीडियो को बनाकर, अब आपकी बारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स में भी जरूर दें। प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और जिंदगी को संवारें और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री आईपीओ परफेक्ट है।